सरकार ने यहाँ मणिपुर संसदीय क्षेत्र से पहली बार मुख्यमंत्री मेरे साथी मेरे बड़े भाई मुकेश अग्निहोत्री जी पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी हमारे चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बब्लू जी ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजरा जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी विवेक शर्मा जी हमारे रंजीत राणा जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है राम आसरा शर्मा जी जो प्रेसिडेंट मुख्यालय के अध्यक्ष है हमारे वीरेंद्र धर्मानी जी जो पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं पहले से जो स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं हमारे विवेक मिक्का जी विजय डोगरा जी अरुण पटियाल जी देश राज गौतम तो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है जी करदर धर्मेंद्र पटियाल जी हमारे सेक्रेटरी है प्रवीण दुआ जी रविंदर फौजी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है ज्ञान चंद शर्मा जी एक्स प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केसी शर्मा जी राघव ठाकुर डीवाईसी प्रेसिडेंट महेश सिंह चौधरी एक्स जिला परिषद महेंद्र सिंह वाइस प्रेसिडेंट डीसीसी लेखराज भारती जी कन्वीनर एससी डिपार्टमेंट एचपीसीसी उर्मिल शर्मा जी जो कि प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की मनीष बैंस जी दौलत राम जी तरसेम लाल सोहता जी मीना शर्मा जी सुमित जी सब लोग हमारे दूर दराज क्षेत्र से आए फ्लैट के प्रमुख जनता युवा साथियों पत्रकार बंधुओं प्यारे बच्चों 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 35 साल कांग्रेस की राजनीति में रहकर छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक आप की तरह परिवार का कोई लड़का एक किसान का बेटा एक कर्मचारी का बेटा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और जब मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हम दो लोगों ने शपथ ग्रहण की हिमाचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया मुकेश अग्निहोत्री जो मुख्यमंत्री बने और मैं मुख्यमंत्री बना हम दोनों ने साथ मिलकर हिमाचल में आम लोगों तक पहुंच बचाने के लिए योजना बनानी स्टार्ट की मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रिवाज होता है कि सचिवालय में जाते हैं सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर मैं 35 साल पर 17 साल की उम्र से आज मैं 60 साल की उम्र तक पहुंचा हूं सिर्फ एक सोच के साथ पहुंचा कि हमेशा मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आम आदमी की आवाज बनूं गरीब आदमी की आवाज बनूं किसान की आवाज और मेरा क्या दायित्व था मैंने उसको रेखांकित किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैं समाज के उन लोगों के पास पहुंचा जिनकी कोई आवाज नहीं थी मैं उस बालिका आश्रम में गया जहां बेटियां अपनी माता को खो चुकी थी अपने पिता को खो चुकी थी उनका मैंने भाव देखा उनके रहन सहन का तरीका देखा वो मेरे पास कोई सिफारिश लेके नहीं आई थी मैं गया और आने के बाद जब मैंने बैठक की मैंने कहा कि जो बेटियां और जो हमारे बच्चे हैं युवा है जो अपनी माता को खो चुके हैं पिता को खो चुके हैं उनको हिमाचल सरकार को सहारा देना चाहिए और अक्टूबर में हमने उनके लिए एक योजना लाई हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया
कि जो बच्चा पैदा होते हुए अगर अनाथ हो जाता है या बीच में किसी दुर्घटना में उसके माता पिता के देहांत हो जाता है तो उसका सारा खर्चा 27 साल की उम्र तक सरकार उठाएगी। और हमने मुख्यमंत्री सुभाषय योजना लाई उन अनाथ बच्चों को आय की सीमा नहीं रखी। वो अनाथ आश्रम में रहता है या अपने चाचा जी के पास रहता है, अपने गांव में किसी रिश्तेदार के पास रहता है, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी, उसके हॉस्टल का खर्चा सरकार उठाएगी, उसके कपड़ों का खर्चा सरकार उठाएगी और हर महीने पॉकेट मनी 4000 रुपया सरकार देगी। जब कोई योजना सोच के साथ धरातल पर उतरती है और उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है उससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं होती। उस योजना से आज 4000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, मैं 15 महीने की सरकार के कार्यकाल की आपको योजनाएं बता रहा हूं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, मैं आज मुकेश अग्निहोत्री जी दोनों बैठे हुए थे, हमारे पास अधिकारी आए और अधिकारियों ने देखा जोखा रखा कि आज प्रदेश की इतनी बुरी आर्थिक स्थिति है कि अगले महीने का जो खर्चा है सरकारी कर्मचारियों को पे देने के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने मुकेश जी की तरफ देखा, मुकेश जी ने मेरी तरफ देखा और हमने कहा हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आई है, हमें इस आर्थिक चुनौती से निपटना है। मैं और मुकेश जी एक महीना रात दिन बैठकर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, ये सोच रहे थे कि जो हमने वादे किए वो कैसे पूरे कर लिए। और हमने तरीका निकाला, पहली कैबिनेट हुई हमने वादा किया था सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कि पहली ही कैबिनेट में आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बाद भी हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से निवारा। और यही नहीं, ऐसा ही राजस्थान सरकार ने भी किया जहां हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जैसे ही वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले लिया गया। हमारी सरकार ने कहा हम पर भी केंद्र से दबाव डाला, मैंने कहा कि हम केंद्र के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हमने कहा मैं एक कर्मचारी का बेटा हूं, मेरी माँ भी आज 80 साल की उम्र पार कर चुकी है, उसको मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने जो उसने सरकार में काम किया है उसके आधार पर उनको पेंशन मिलती है। जब कभी मैं जाता हूं अपनी अंदर की जेब से कुछ 500 रुपया निकालकर आज भी मुझे देती है, कहती है ये मेरी स्वाभिमान है कि मेरे आपके पति या मेरे आपके पिता ने मेरे लिए पेंशन छोड़ी है। उस दबाव के बाद भी हमने उन सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते बढ़ते इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आई। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो भाई का ऐसा मंजर था, हर जगह हर जिला में तराई तराई थी, पूरे जिला हेडक्वार्टर से मेरे पास रोज खबरें आती थी, आज इतने लोगों के मकान बह गए, आज इतनी पानी की योजनाएं बह गई, हर जगह सड़कें तबाह हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। जुलाई का महीना था, कुल्लू में भयंकर तबाही आई, मैं और उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी कुल्लू में 3 दिन तक डेरा जमाए रखे। 75,000 पूरे देश के पर्यटक उस तराई में फंसे हुए थे, उनकी 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी। कुल्लू में पानी की योजना 48 घंटे से नहीं चल रही थी, बिजली नहीं थी, हर जगह कुल्लू निवासी हाथ पराग पिसार कर सरकार की तरफ देख रहे थे। हम लोग सड़कों में उतरे, हमने मुख्यमंत्री की परवाह नहीं की, वो मुख्यमंत्री जी भी सड़कों में उतरे,
और जो राहत उन लोगों को पहुंचानी थी, हमारे जो पर्यटक आए हुए थे उन लोगों को हमने राहत पहुंचाई पूरे देश में। हिमाचल प्रदेश सरकार की सराहना हुई, वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश की सराहना की, नीति आयोग ने सराहना की और शांता कुमार जी ने भी हमारी सराहना की। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई अराजकता का माहौल पैदा नहीं किया। उसके बाद उनके बाद हर जगह मैं गया, मुझे जाने का मौका मिला। जिसका घर उजड़ जाता है आप जानते हैं उसके दिल पर क्या बीतती है। हर जगह जाकर परिवार के लोग मेरे साथ गले मिलकर लेट रोते थे। माताएं रोती थी, बहनें रोती थी। बड़ी मुश्किल से एक पाई पाई जोड़कर हमने अपना पक्का घर बनाया। एक रात पहले हम परिवार के साथ मिलकर यहाँ खाना खा रहे थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रात को इतनी तेज बारिश आएगी। सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे, एक पीने का गिलास भी उस बाढ़ में उस तबाही में तबाह हो गया। वो कहने लगे कि अब हमारा को कौन बसाएगा। मैं सुबह जाता था, शाम को आता था, रात के 12-12 बजे तक मंत्रिमंडल के साथ मुकेश जी हम चर्चा करते थे। नियम बताए जाते थे, आप भी पता होगा जो पंचायत प्रधान है या जो पंचायतों के प्रतिनिधि है, कि घर बनाने के लिए भारत सरकार भी चाहे पीएम आवास योजना है 1,30,000 और 1,50,000 रुपया देती है। मैंने उससे पूछा कि 1,50,000 में घर कैसे बनेगा, क्योंकि हम भी इन्हीं परिवारों से आते हैं। उन्होंने कहा घर तो नहीं बनेगा पर हम तो यही राहत दे सकते हैं। और ये राहत देते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि हम अब आप नियम कैसे है, कानून कैसे है। हमने कहा ये आम व्यक्ति आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, आम परिवार के घर 22,000 लोग 22,000 परिवार बर्बाद हो गए हैं। इन घरों को बसाने का दायित्व हमारी सरकार के है। मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिए और भारत सरकार ने हमें उस आपदा में एक भी पैसे की राहत नहीं दी। और मैंने 1.5 लाख से बढ़ाकर वो राहत राशि 7 लाख रुपए कर दी। जिसकी पशु भी गया उसकी पशुशाला को भी हमने 55,000 रुपए दिए। हर एक परिवार को बसाने का कार्य हम दिन रात करते रहे। कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी आपदा आएगी। मैं भारत सरकार के पास गया, भारत सरकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला। मैंने गुहार लगाई जिस तरह गुजरात में मदद दी जाती है, जिस तरह उत्तराखंड में मदद दी जाती है, आप हिमाचल प्रदेश को भी मदद कीजिए। मैं झोली बुलाकर उनसे मांगता रहा लेकिन राहत के नाम पर कोई पैकेज नहीं मिला। मैं उन सांसदों से भी पूछना चाहता हूं जो यहां से चुनकर जाते हैं, चुनने के बाद वो इतना भी हिम्मत नहीं रख सके, इतना भी हौसला नहीं रख सके कि देश के प्रधानमंत्री से मिलते, देश के गृह मंत्री से मिलते और कहते कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आ पड़ी है। कहीं भी जाओ तो भाई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई, हर घर उजड़ गया, पशुशाला उजड़ गई, पशु बह गए, लेकिन किसी भी सांसद की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हिमाचल प्रदेश के 22,000 परिवारों को आपदा से राहत दिला सके। अब लड़ते रहे अपने अपने संसाधनों से भ्रष्टाचार पर छोड़ करके 4,500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया, जिसके कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में समान विकास हुआ। हम लोग फिर उसके बाद मेरे ध्यान में आया कि किसान और आम आदमी किस चीज से परेशान रहता है। मैं खुद भी परेशानी झेलता था। मैंने पाया कि जो पटवारी के पास हम तकसीम करवाने जाते हैं, कानूनों के पास डिमार्केशन करवाने जाते हैं या हम म्यूटेशन का इंतकाम करवाने जाते हैं, इसमें भी लोगों को समस्याएं आती।
और जब ये समस्याओं का समाधान करने की बात आई तो कानून आने आ रहा था। मैंने सबसे पहले राजस्व कानून में बदलाव किया। हम लोग प्रभारी के पीछे घूमते रहते थे, तहसीलदार के पीछे घूमते रहते थे। हम जानते थे कि यह समस्या हमारे आम परिवार के लोगों को हमेशा होती है, और हमने राजस्व कानून में बदलाव किया जिसके कारण 1,00,000 म्यूटेशन और 7,000 तकसीम हुई। आज पटवारी आम लोगों को फोन करके बुलाता है कि आप आइए अपना इंतकाल करवाइए, म्यूटेशन करवाइए। हम धीरे धीरे आर्थिक चुनौती का सामना करते हुए, आपदा की चुनौती का सामना करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को 20% की वृद्धि के रूप में आगे लाए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और हम दूसरा बजट बनाने वाले थे। दूसरा बजट में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो आम जनता से जुड़ा बजट है उस बजट पास करने में ये लोग अड़चने पैदा करेंगे। 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हुआ। आपके क्षेत्र के विधायक बार बार मेरे पास आ रहे थे, खाना भी खा रहे थे, हर चीज का स्वाद बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। 26 तारीख की रात है, मनु सिंह जी ने डिनर दिया। हमने सोचा भी ठीक है। मैंने कहा कि कल सुबह सब लोग आप वोट कांग्रेस के प्रत्याशी जो देश के नामी वकील है, देश के नामी वकील है, उनके पक्ष में करना। 26 तारीख को ब्रेक और डिनर किया। मुकेश जी भी आए, मुकेश जी की पारिवारिक में जो घटना घटी हम सब उसके शामिल थे, लेकिन इन्होंने पार्टी इतने आना सोचा। खाना खा रहे थे सब लोग। 27 तारीख और 26 की रात में क्या गोलमोल हुआ। 27 तारीख को इन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला, और वोट डालने के बाद विधानसभा सेशन चला हुआ था। हमें नहीं पता था। बबलू जी कुमार थे, कहते मैं आ रहा हूं, मेरे को जल्दी आप कोई कुछ इंतजाम कीजिए। उन्होंने अपने पैसे से अपना हेलीकॉप्टर का किराया दिया, ये आए वोट आ रहा। एकदम पता लगा कि 6 विधायक कंडा घाट क्रॉस कर गए। हमने पूछा कंडा घाट क्यों गए, हमको नहीं पता। कंडा घाट के लगे कि भागो भागो, हमको पता नहीं। रिजल्ट नहीं निकला, 4 बजे परिणाम आया तो 34 हमको पड़े, 34 उसको पड़े। हमें तब पता लगा कि भाई ये जो कह रहे थे, जो हमारे पोलिंग एजेंट अंदर बैठ के कह रहे थे, वो सही निकला। इन 6 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला। फिर भाग्य कंडा घाट, हमने सोचा पता नहीं गलती मार के अगले दिन बजट पास करना है। 28 तारीख को बजट पास हो रहा, और उस बजट में आम लोगों से जुड़ी समस्याएं थी। मैंने कहा हम कोई वादा 5 साल के लिए पूरा करने के लिए नहीं रखेंगे। मैंने कहा हमने 15 लाख की बात नहीं की है, हमने 1500 की बात की है। हम 1500 अपनी महिलाओं को देंगे। उस बजट में जो बुजुर्गियां बैठी हैं, उस बजट में 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसका जो मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि सुविधा होगी वो सारी सरकार देगी। 4% डीए की किस्त सरकार देगी। बेचारे पुलिस के कर्मी होते हैं, 210 रुपए 7 रुपए उनको मिलते थे, 8 रुपए मिलते थे टाइट मनी के। मैंने उसको बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिए। फिर मनरेगा में हमारे मजदूर लगे होते हैं, मैं देखता था कि मनरेगा में जो हमारी माताएं हैं, भाई हैं, उनको जो असेसमेंट के बाद दिहाड़ी बहुत कम करती थी, मैंने उसमें सीधा बढ़ाकर 60 रुपए की बढ़ोतरी की। 300 रुपया मनरेगा के मजदूर को 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो गया। किसान, जो किसान है, आज तक हिंदुस्तान में किसी ने गाय के दूध का मूल्य फिक्स नहीं किया, भैंस के दूध का मूल्य फिक्स नहीं किया किसी भी सरकार ने। हमने कहा 90% हिमाचल के लोग गांव में रहते हैं,
हम जानते हैं गाय पालना कितना मुश्किल काम है, भैंस पालना कितना मुश्किल काम है। और मैंने गाय के दूध का रेट 45 रुपए फिक्स किया कि जो भी गाय उत्पादक होगा, पशु उत्पादक होगा, 45 रुपए लीटर उससे दूध सरकार खरीदेगी। और भैंस का 55 रुपए फिक्स किया, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया। और जो गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से गेहूं पैदा करेगा, वो गेहूं भी 40 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी, मक्की 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी। पहले तो अधिकारी इस बजट के बारे में सोच नहीं सके। मैंने कहा हम गांव के कृषि भूमि से आते हैं, मैं जानता हूं कि क्या उन लोगों को देना है। 1,15,000 विधवा महिलाएं थी, 1,15,000 विधवा महिलाएं एक नारी हिमाचल प्रदेश में है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए 1,15,000 रुपए साल की फीस से कहां से देगी जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। हमने इस बजट में 27 साल तक की उम्र भी जिस भी विधवा माता या बहन का बच्चा डॉक्टरी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, प्लस टू के बाद से उसका सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार ने की योजना लेकर ये बजट पास होना है। हमें बोला यार चलो उन्होंने राज्यसभा में एक जारी नहीं होता, आप आएंगे और आकर आप कांग्रेस के पक्ष में इस बजट के पक्ष में वोट डालेंगे। मेरे को बीजेपी वाले बार बार बोलते रहे ये अभी तो चुनाव होते नहीं, आप पिछले साल से प्रधानों का भी मानदेय बढ़ा रहे हैं, नगर पंचायत का भी मानदेय बढ़ा रहे हैं, कर्मचारियों के मानदेय बढ़ा रहे हैं। हमने कहा हमने भ्रष्टाचार में लिप्त चोर दरवाजों को बंद किया है, 2200 करोड़ रुपया कमाया है, ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए। आए इस तारीख को आए 2 हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरे, ऊपर से विधानसभा के ऊपर से आवाज तो उसके पक्षों की फड़फड़ करके आ जाती है। 2 हेलीकॉप्टर आए, सीआरपीएफ की गाड़ियां आई, पुलिस आई, विधानसभा का गेट तोड़ने लगे। हम ऊपर बैठे हुए हैं, मुकेश टीवी में न्यूज चली कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं बजट का रिप्लाई बनाना होता है, जब बजट पास करते उसका रिप्लाई होता है, मैं उसकी तैयारी कर रहा था, सब लोग बैठे कहते सारे टैलेंटों में मेरे को सब जगह से फोन आ गए। मैंने कहा मैंने क्यों इस्तीफा देना, नहीं बड़ी मुश्किल से 35 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक आम आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, ऐसे इस्तीफा दे दूंगा। और मैंने जयराम ठाकुर जी विधानसभा में कह रहे हैं, जयराम ठाकुर जी विधानसभा में कह रहे हैं अब तो इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता, वो भगवान से भी बड़े हो गए। अब मुझे पता नहीं, वो कह रहे जी इस्तीफा दे दिया। मैं आया, मैंने कहा भगवान हमारे साथ है, हम अच्छा काम करने वाले लोग हैं, हम सत्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम झूठ के सारे राजनीति नहीं करते। और 28 तारीख को ये आए, 9 आए, 6 की तरह 3 काम हुआ है, हाजिरी लगाई, पैसों के लिए लगती हाजिरी क्या होता है, हम इसे संबंध कर बैठेंगे। ये तो कांग्रेस के ही विधायक है, इनको वोट डालना पड़ेगा बजट में। और जैसे ही बजट मैंने पास होने के लिए रखा, पता लगा कि हेलीकॉप्टर फिर उड़ गए और उड़ गए। हमने बोला इन्होंने पार्टी के बिल का उल्लंघन किया है, और मैं आपको कह सकता हूं ये उड़कर पंचकूला के ललित होटल में चले गए। अब देखना यह था कि इन्होंने वोट खिलाफ क्यों डाला। हमने FIR दर्ज कर दी, FIR दर्ज करने के बाद पूरे राष्ट्र में शुरू हुए। जो MLA आपका यहां भुट्टो, क्या नाम है उसका, उसको पूरी तरह कूटो, मतलब राजनीति में कूटने का मतलब है कि वोटों के माध्यम से कूटना है, अपने इतनी वोटें डालनी है ताकि उससे पता लग जाए कि किस तरह तुम बिखर गए हैं। आपने अपना ईमान बेचा, आपने अपना ईमान बेचा। पहले मैं समझ नहीं पाया, मेरे पास आता था 5,000 रुपया की इकट्ठी चिट्ठियां मेरे को दे जाता था और बोलता है टेंडर के लिए फोन करते हैं आपसे।
मैंने बोला टेंडर के लिए किस एक्शन को फोन करना, वो पीएमजी फाइल के है, आप इस एक्शन को बोल दो। मैंने किसने, वो भाई मेरे बहुत पैसे लगे हैं ना, मैंने पैसे नहीं समझ ही नहीं पाया उसकी बात को। अब हमने क्या देखा, और सारे कागज इकट्ठे करके मेरे पीए के बाद देता। मैं प्रचारक को बुलाया के लोगों के कागज पढ़ता था, उसमें लिखा होता था शादी के लिए 5,000 दे दो, मैं पहले वो सेंक्शन करता था, फिर आगे दिन सवेरे आके टेंडर के लिए फोन कर दो, आज एक रेशन में ये कर दो। 5,000 रुपए मैंने कुटनाड़ के कई लोगों को सेंक्शन किए, मेडिकल के बिल कई लोगों के मैंने खुद सेंक्शन किए। आपका विधायक सिर्फ इकट्ठे करके मेरे पास दे जाता था, बोलता भी नहीं था, बोलता कार में सिर्फ नहीं था, इस एससी को फोन कर देना आपने, ये सत्य है। मेरे मन में उसमें भी बड़ा दुख होता था। हम लोग भी जिंदगी में राजनीति में 35 साल से 20 साल से तो मुझे भी एमएलए बनकर हो, ये कैसी लोग चुनकर आ गए। ये बेचारे बिक्कू ने 5 साल वहां काम किया, उसका फल ये उठा लिया। और ये जब उसने जब हमारी खोज में चली, ये हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन दे रहा है, ये सीआरपीएफ आज उनके घर में लगी, क्या जरूरत है आपको, एक महीना कहां थे आप, वो किस्त दूसरी नहीं मिली हुई थी। और किस्त दूसरी नहीं मिली, बीजेपी वालों ने भी 20 दिन तक इनको होटल में घुमाया रखा, सोचा कि ऐसे ही भाग चले जाएंगे, उन्हें छोड़ दिए। फिर बोलते नहीं नहीं वहां हमारे को जनता पूछेगी, क्योंकि हिमाचल देवभूमि की संस्कृति है, यहाँ कोई बिकाऊ नहीं है, गरीब से गरीब आदमी भी अपने ईमान को जिंदा रखता है। और हमने पाया 15 करोड़ रुपया एक एक विधायक ने राज्यसभा में वोट करने के लिए हमारी सरकार गिराने के लिए, ये हमारे पास प्रूफ है। जो लोग आपकी भावनाओं को बेचकर विधायक चुनकर जाते हैं, जो लोग आपके बोर्ड से नेता बनते हैं और अपने विधायकी को सरेआम निराम करते हैं, ऐसे विधायक को सबक सिखाने का वक्त आ गया। क्या आप लोग सबक सिखाएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। हमने कभी नहीं कहा, हम लोग राजनीति में अभी से नहीं है, बचपन से राजनीति करते आ रहे हैं, स्पॉन्सर रहे हैं, लेकिन अपने ईमान को, चाहे हमारे पास पैसा है नहीं, लेकिन अपने ईमान को हमने कभी नहीं बेचा। ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। भ्रष्टाचार से की हुई कमाई, भ्रष्टाचार से की हुई कमाई सब जनता की है, जो जनता में बंटनी चाहिए, जनता आम जनता की, आप लोगों की है। ये मत सोचिए कि हमको बीजेपी ने टिकट दे दिया, आप बीजेपी से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के भी जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं इनसे कि हम यहां आके भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो 15 लाख रुपया देने की बात करते थे, हम वो हैं जो 1500 रुपया देने की बात करते हैं, उस योजना को हमने लागू कर दिया। ये वो लोग हैं विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, आज उनकी छत्तर छाया में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं ये जरूर कहूंगा, आंखों के सामने जब चीज नजर आ रही हो, 14 महीने में जो व्यक्ति बिक चुका हो, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी की विचारधारा वाले भी विश्वास रखने वाले, ऐसे व्यक्ति को कभी जीतने नहीं देंगे, उसकी जमानत तक जब्त करवाएंगे। वोट पार्टी की विचारधारा पर नहीं है, ये वोट उस गंदगी को राजनीति से हटाने के लिए है, जो अपने आप को जीत कर राजनीतिक मंडी में बेचने के लिए खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को सबक कौन सिखा सकता है, जनता सिखा सकती है। आप जनता, मैंने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी ने जब यह देखा कि जनता के वोट से तो हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सके, जनता के वोट से तो हमने कांग्रेस को चुनकर भेजा है, तब उन्होंने नोट के बोर्ड पर सत्ता की कुर्सी हटाने की कोशिश करी है।
और जब नोट के दम पर कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी हथियाता है, आप सोच लीजिए वो कभी जनता का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। वो आपके बाद चुनने के बाद आपसे लूट घुसूट करेगा, वो लूटेगा आपको, आपसे हर प्रकार से मदद मांगेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना। हम लोग राजनीति में आए हैं, कभी मन में ये भाव नहीं रहा कि हमने पैसे कमाने हैं, कभी जिंदगी में नहीं रहा। मैं राजनीति में रहा, हर पद पर रहा, लेकिन मैंने जब देखा कि ये भ्रष्ट लोग राजनीति को माध्यम बनाकर अपने लिए पैसा जुटाने का बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। मैं आपसे आशा करता हूं आप एक एक व्यक्ति अपने मन में विश्वास करके जाइए, हमेशा अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, नेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, जिन्होंने पैसे लेकर अपनी विधायकी बेची है, उनको आपको भी सबक सिखाना है। तभी ये लोग राजनीति से दूर भागेंगे। ये सेवा करने थोड़ी आए हैं, ये तो आपको लूटने आए हैं। हम लोग आए हैं सेवा करने। हम जानते हैं क्या दर्द होता है, गरीब का दर्द हम जानते हैं, पीड़ा हम जानते हैं, हमको पता है कि कितनी मेहनत से हम लोग राजनीति में आकर सेवा करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार और प्रार्थना करना चाहता हूं, हमने 1500 रुपया अपनी बहनों को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जीवन भर के लिए दिया है, वो पैसा आपका है, आपको मिलेगा। आने वाले समय में 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, 2032 तक हिमाचल प्रदेश को हम हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास हौसला है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास नैतिकता है, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास है वो जनता का बल है, आपकी ताकत है। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? बोलो, आप खड़ा करके बोलिए, जोर से बोलिए, देंगे। और ये जो भुट्टो को वोट की कूट से पिछाड़ेंगे, ये दलाल राजनीति में नहीं चाहिए, किसी भी पार्टी से आए राजनीति में नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुटलाहर के सुन रहे होंगे। मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, साथ वाली जगह से आता हूँ। मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी को पहली बार मौका मिला है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। अभी हमारे 3.5 साल है, हिमाचल का नक्शा बदलेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 25 विधायकों वाला पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आज ये बात करते हैं कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, हमसे अभी भी 9 वोट ज्यादा है, अपनी पार्टी को संभाल के रखना, वो मत बिकने देना, क्योंकि उसमें बिकने वाले जब जाएंगे तो कहीं भी बिकेंगे, किसी भी राजनीतिक मंडी में वो बिक सकते हैं। हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और आपके आशीर्वाद से जीतेंगे। धन हमारे पास नहीं है, लेकिन धन के अलावा जनता का बल हमारे पास है। क्या आप जनता हमारे साथ खड़ी होगी? और मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिट्टू ने यह बहुत काम किया है, 5 साल ये काम करता रहा है, मेरी सभी से बात हुई है, सब लोगों के जो यहाँ के प्रत्याशी है, जो भी यहाँ के टिकटार्थी है, वो सब लोग से मेरी बात हुई है, और हमने सर्वे भी करवाया है। सर्वे में अगर किसी का नाम सबसे, कईयों के नाम आए हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर नाम विवेक शर्मा का है। इस समय टिकट की लड़ाई नहीं है, विवेक शर्मा की टिकट की लड़ाई नहीं है, इस समय न्याय और अन्याय की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। विवेक शर्मा को पार्टी ने, अभी हमारी मीटिंग होगी यहाँ से प्रत्याशी बनाने का, हमारा दायित्व है कि इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। हाथ खड़ा करके स्वागत
से टकराएगा, झूठ बार बार सत्य से टकराएगा। वो जो यहाँ से विधायक दलाल विधायक चुनकर पूर्व गया है वो हर बार झूठ बोलेगा, लेकिन जीत सच की होगी और सच के साथ आम जनता खड़ी है। लोकसभा के लिए मैं कहना चाहता हूँ इस सर्वे में सतपाल राय यादव जी का नाम आया, मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा था मुकेश जी को, लेकिन मैं ये चाहूंगा जो भी हमारा हाईकमांड फैसला करेगा उस हाईकमांड के साथ हम सब खड़े होंगे और लोकसभा का टिकट उन्हें से ही मिलेगा। मैं आज इस विधानसभा क्षेत्र में इसलिए आया हूँ, यहाँ से मैंने चुनावी शकानंद किया है, मैं कह सकता हूँ हर पंचायत तक जाऊंगा, मैं अपनी आवाज जनता तक पहुंचाऊंगा, हम आदमी तक हर आदमी से बात सुनूंगा। कि दोनों सीटें हम आपको देंगे, लोकसभा की सीट भी हमको देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ मुकेश जी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमीरपुर की भी सभी सीटें हम मिलेंगे। हमीरपुर और उन्ना की बात नहीं है, दोनों हम राज्य स्तर के नेता है, सारी जगह जाएंगे, सब जगह जाके इनको हमको सत्ता की कुर्सी की भूख नहीं है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लेने आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और राजनीति में भ्रष्टाचार की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं हमारे जो एमपी के कैंडिडेट सतपाल राय यादव जी और जो रिंकू जी है, आप इन सबको आशीर्वाद देंगे, हाथ खड़ा करके चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप विश्वास रखिए, हमारी सरकार की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ दिखाऊ और खाऊ नहीं चलेंगे, धन्यवाद।